सुनो मैं तुम्हें सुनाऊं कथा बृहस्पति वार की। कथा एक साधु की है ये कथा एक परिवार की। सुनो सुनो मैं तुम्हें सुनाऊं कथा बृहस्पति वार की। कथा एक साधु की है ये कथा एक परिवार की। सुनो सुनो मैं तुम्हें सुनाऊं कथा बृहस्पति वार की। कथा एक साधु की है ये कथा एक परिवार की। सभ्य परिवार था, खुशियाँ ही खुशियाँ थी घर में, छोटा सा संसार था। सास ससुर संग बेटा बहू थे, घर में हर खुशहाली थी। बेटा भी लायक था उनका, बहू भी भोली भाली थी। ससुर का वो सम्मान करे, सास भी हर पल उठते बैठते बहू का ही गुणगान करे। कृपा थी उन पर विष्णु जी की, कमी नहीं थी कुछ घर में। भरा था घर धन धान से पूरा, कमी नहीं थी उस घर में। बात बताऊं बहू वो आंगन लीप रही, घूंघट भीतर मंद स्वरों में गावो कोई गीत रही। खन खन चूड़ी छन छन पायल, सुर संगीत का संगम था। आंगन में तुलसी माता का अनुपम रूप मनोरम था। अनुपम रूप मनोरम था। जगाते संत एक आ जाते हैं, भिक्षा दे दे बेटी मुझको वो आवाज लगाते हैं। भला तेरा भगवान करेगा भोजन मुझे करा दे तू, सदा रहे सौभाग्यवती तू, जल थोड़ा पिलवा दे तू। जल थोड़ा पिलवा दे तू। सने गोबर में बोली बहू मृदुवाणी में, तुम्ही बताओ साधु बाबा कैसे पिलाऊं पानी में। भोजन भी करवा देती मैं अगर मुझे फुर्सत होती, एक नहीं दो चार नहीं चाहे खा लेते दस रोटी। चाहे खा ले। भिक्षा दूंगी भिक्षा के संग तुमको बाबा, भोजन भर इच्छा दूंगी। सुनकर साधु चला गया वो, बहु काम निपटाए रही। घूंघट के अंदर ही अंदर
मधुर मधुर कुछ गाए रही, मधुर मधुर कुछ गाए रही। हंसी खुशी दिन लगे गुजरने, एक दिन ऐसी घड़ी आई, उनके घर में खुशियाँ लेकर नन्ही एक परी आई। गूंज उठा घर किलकारी से, झूम उठा आंगन सारा, महक उठी थी घर की बगिया, और खिल उठा चमन सारा, और खिल उठा चमन सारा। लली का चांद सा मुखड़ा, बहु पुलकित हो जाती है। अलख जगाते फिर वो साधु द्वारे पे आ जाता है, भिक्षा दे दे बेटी मुझको, वो आवाज लगाता है, वो आवाज लगाता है। तुम आना, जो मांगोगे भिक्षा दूंगी, खुशी से बाबा ले जाना। दूध पिला के अपनी लली को, इसको अभी सुलाना है। इस हालत में साधु बाबा, कठिन मेरा उठ पाना है, कठिन मेरा उठ पाना। चुपचाप वो साधु मिला कुछ नहीं उस घर से, मांग रहा वो अलख जगा के, इस घर से कभी उस घर से। पी के दूध सो गई बिटिया, पलंग पे उसको लिटाती है, उसे सुला के बहुत तुरंत किस काम में फिर लग जाती है, किस काम में फिर लग जाती है। लासी लली बढ़ रही, अब गुरुकुल में जाने लगी, छोटे मोटे काम में बिटिया माँ का हाथ बटाने लगी। सास ससुर खुशहाल बड़े थे, साथ खेलते पोती के, हरदम उसके साथ में रहते, उस इकलौती पोती के, उस इकलौती पोती के। कुछ दिन के बाद एक दिन मांज रही थी बहु बर्तन, बेटी गुरुकुल गई थी पढ़ने, सास ससुर पति गए सत्संग। फिर से वही साधु घर आया, आके अलख जगाया है, दे बेटी कुछ भिक्षा मुझको, योगी तेरे दर आया है, योगी तेरे दर आया है। मेरे हाथ लगी जो ठन, कैसा ये संयोग है
बाबा जब जब भी तुम आते हो मुझको किसी ना किसी काम में उलझी हुई ही पाते हो। जीवन ही एक उलझन है, कभी लीपना आंगन बेटी, कभी मांजना बर्तन है। ऐसे में कुछ समय निकालो और कभी कुछ दान करो। घर आए साधु सन्यासी का बेटी सम्मान करो, बेटी तुम सम्मान करो। पाऊंगी कब बाबा मैं बैठ पलंग पे अपना समय बिताऊंगी। मांग रही हूँ हाथ जोड़ के मुझको ऐसा वर दे दो, काम काज ना करना पड़े मुझे ऐसा कोई मंत्र दे दो, ऐसा कोई मंत्र दे दो। भांति भांति समझाया है, प्रातः काल कभी मत उठना, उठना सूरज उगने पर। कल से तुम्हें स्नान है करना सास ससुर के जगने पर, सास ससुर के जगने पर। रात ढले जब झाड़ू लगाना, दीप जलाना रात ढले, चूल्हे के पीछे भोजन रखना चाहे बिगड़े बात भले। ससुर पति से तुम ये कहना बृहस्पति को कटवाए बाल, इतना काम तू करके देख ले फुर्सत मिले तुझे तत्काल, फुर्सत मिले तुझे तत्काल। योगी बहू लग गई फिर निज काम, बाबा की बातों से खुश थी अब तो करूंगी मैं आराम। रात ढले वो झाड़ू मारे, रात ढले ही बारे दीप, दिन चढ़ने तक सोए तान के बन गई पूरी पूरी भीट, बन गई पूरी पूरी भीट। ससुर के बाद नहाए चूल्हे के पीछे धरे भोजन, सास ससुर और पति से पहले बैठ रसोई करे भोजन। बृहस्पति को पति बाल कटाए हो गए सारे उल्टे काम, रूठ लक्ष्मी छोड़ गई घर हो गया घर का काम तमाम, हो गया घर का काम तमाम। खाने को जिस
घर में धन धान्य भरा था, तरसे दाने दाने को। ऐसी हुई मति भंग बहू की, नौबत आ गई फाके की। क्या होता है अब उस घर में, कथा सुनो अब आगे की। कथा सुनो अब आगे की। भूखी प्यासी बहु बैठी है, हाथ में कोई काम नहीं। बैठी है आराम से, देखो काम का कोई नाम नहीं। तभी वही साधु फिर आया, फिर आवाज लगाता है। भिक्षा दे जो मुझ योगी को, ऐसा कोई दाता है। ऐसा कोई दाता है। जोड़कर बहू ने बोला, घर में नहीं कुछ खाने को। ऐसी मार पड़ी किस्मत की, तरसे दाने दाने को। भिक्षा में तुम्हें क्या दूं बाबा, खुद खाने को तरस रहे। भूखी लली की देख के सूरत, दोनों नैना बरस रहे। दोनों नैना बरस रहे। हंसते हुए वो साधु बोला, जब था तब तो दिया नहीं। कर कर के फुर्सत का बहाना, दान पुण्य कुछ किया नहीं। आज जो हालत हुई तुम्हारी, इसकी तुम ही दोषी हो। अब रो रो क्यों अपना चेहरा, बेटी तुम क्यों धोती हो। बेटी तुम क्यों धोती हो। ऐसा कर दो पहले से दिन आ जाए। पहले थे जो दिन खुशियों के, फिर से वही दिन आ जाए। क्षमा करो अपराध हमारा, हे बाबा अंतर्यामी। मार गई थी मती हमारी, दया करो मुझ पर स्वामी। दया करो मुझ पर स्वामी। कर योगी बोले, प्रातः उठ स्नान करो। भोर से पहले झाड़ू लगा के, ईश्वर का फिर ध्यान करो। गोधूली के समय सायं को, घर में दीप जलाना तुम। सास ससुर जब भोजन कर ले, बाद में उनके खाना तुम। बाद में उनके खाना तुम। पीछे न भोजन रखना, बृहस्पतिवार कटाए न बाल। ऐसा करके देख तू बेटी, कृपा होगी तुरंत तत्काल। इतना कह के चले गए वो, बहु समझ गई सारी बात। ऐसा ही फिर किया है उसने, सुधर गए उसके हालात। सुधर गए उसके हालात। Thank you.
कुछ दिन में सब ठीक हो गया, घर धन धान से भर गया, फिर जैसी पहले थी खुशहाली वैसे ही गया खुशी से भर। कथा सुनाई बृहस्पति की, गलती हुई तो करना माफ, विनय करे सुखदेव सभी से, हाथ जोड़ कर कहे अविनाश, हाथ जोड़ कर कहे अविनाश, हाथ जोड़ कर कहे अविनाश।